एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने महिला सशक्तिकरण सेल्फ डिफेंस पर दो दिवसीय ट्रेनिंग सेशन और कार्यशाला का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में जिले के सभी थानों की महिला हेल्प डेस्क प्रभारी और महिला कांस्टेबलों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके बाद ये सभी महिला पुलिसकर्मी जिले के विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों व अन्य शैक्षणिक संस्थानों में जाकर स्कूली छात्राओं को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण देंगे। वहीं आयोजित कार्यशाला में शैक्षणिक संस्थानों से लेकर विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं युवतियों को उत्तराखंड पुलिस की गोरा शक्ति ऐप और स्कूली छात्राओं को गुड टच बैड टच के बारे में जानकारी देने के लिए निर्देश किया गया है। श्रीनगर से भगवान सिंह की रिपोर्ट। और विजय, आप इनको ना बुला बुला के सिखाओगे? शाला जो है यहाँ श्रीनगर में प्रारंभ की है और इसमें हमारी सभी जो थाने हैं उनकी महिला हेल्प डेस्क प्रभारी व जो हमारी महिला कांस्टेबल्स हैं उनकी ट्रेनिंग करवाई जा रही है। और मुख्यतः इसमें महिला हेल्प डेस्क में किस प्रकार से उनको जो महिलाएं आ रही हैं, पीड़िताएं आ रही हैं, उनके उनको किस तरह से उनकी समस्याओं को सुनना, उसका निराकरण करना, उनकी काउंसलिंग करना, उस संबंध में भी उनके सेशंस करवाए जाएंगे। और इसके अतिरिक्त जो एक जागरूकता कार्यक्रम इन्हें अपने थाना क्षेत्रों में चालू करना है।